सागर जिले की नरियावली विधानसभा के विधायक प्रदीप लारिया को शूट करने की और जान से मारने की धमकी देने के संबंधित ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो सामने आने के बाद सोमवार को विधायक समर्थकों ने एसपी कार्यालय पहुंच कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने विधायक लारिया को धमकी देने वाले ऑडियो की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। यहां बता दें, उक्त ऑडियो में आ रही आवाज फारूक खान की बताई जा रही है, जिसमें वो विधायक को शूट करने और दंगे करवाने की बात कह रहा है। साथ ही ऑडियो में विधायक प्रदीप लारिया और हिंदूवादी संगठनों के प्रति अपशब्द कहे गए हैं। उक्त ऑडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में मोतीनगर थाना में भी आवेदन दिया जा चुका है। मामले का विरोध करते हुए दोषी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। उक्त जो आवेदन है वो एक ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई है उसको लेकर है, और जिसमें दो दिन और दिवस पूर्व जो है मोतीनगर थाने में उक्त आवेदन दिया गया है। उक्त आवेदन अभी जांच में है, उसमें आवेदकों के बयान अभी हो रहे हैं और उसमें जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसी विषय को लेकर आज एक ज्ञापन यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा एसपी ऑफिस में दिया गया है, वो भी जाँच का विषय रहेगा, उसमें विधिसम्मत कार्रवाई जो है की जाएगी। सर, क्या शिकायत की गई? शिकायत ये की गई है कि उक्त ऑडियो क्लिप में कुछ अभद्र भाषा का उपयोग है, उसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा और जाँच के बाद उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है की जाएगी। ये प्रदीप लारिया, विगत दिनों हमारे नरियावली विधानसभा क्षेत्र से हमारे माननीय विधायक जी हैं, मैं क्रिकेट एसोसिएशन के जो सचिव हैं उनके द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी करने की धमकी दी गई, और सुना है कि कुछ हिंदुत्ववादी हमारे जो कार्यकर्ता हमारे संगठन हैं उनके बारे में भी अपशब्द कहे गए, तो उसके खिलाफ कार्यवाही हेतु हम यहाँ एसपी साहब महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि उक्त व्यक्ति द्वारा जो भी ये कृत्य किया गया है ये बहुत ही निंदनीय है। एक लोकप्रिय जनसेवक के लिए ऐसे शब्द निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं। एसपी साहब से हम अपना ज्ञापन के माध्यम से जरूर दर्ज करने आए थे, कृपया जल्द से जल्द ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर नई कार्रवाई मानी जाती तो आगे क्या करें? नई कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से, आज तो विधायक जी भोपाल में है जो कि वहाँ सत्र चल रहा है, विधायक जी के आने के बाद कार्रवाई करेंगे। आज तो हमारा शांतिपूर्ण ज्ञापन था, दिवस पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।